बॉम्बे में आया था एग्जीबिशन करने के लिए, क्योंकि मैं एज आर्टिस्ट हूँ. सो मुझे एग्जीबिशन करना था, और फिर वो एग्जीबिशन काफ़ी हेल्दी हुआ था बॉम्बे में, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा जगह है, मेरे को इधर रह जाना चाहिए. मेरा फिर मेरा जर्नी चालू हुआ. बट बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है बॉम्बे में. फिर कुछ दिन के बाद मेरा पैसा वैसा ख़त्म हो गया, फिर पेंटिंग बेचना बंद हो गया, तो करे क्या. I'm Mariam Dumello, the founder of Velveteen, and I'm here in conversation with the famous production designer, none other than Subrata Chakraborty, who has been a part of many blockbusters, from Gangubai Kathiawadi to Padmavat to Haider, Talwar, Shersha, and many more. Also, he was the production designer from India to be called for the Oscar jury, and honestly, sir, I'm really, really honored to be in conversation with you. So let's start with the interview. Let's start with the basic questions. The basic questions will be, what actually is production design? Like, what is a production designer's job? So basically, जो production designer का job जो होता है, वो है कि आप एक पूरे फिल्म को डिजाइन करते हो. सो वो डिजाइनिंग का पार्ट हमारे ऊपर होता है. सो उसमें कॉस्ट्यूम भी आता है, उसके अंदर जो आर्ट डायरेक्शन होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, एंड देन बाकी आपके बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ. सो बेसिकली इसको मैं एक कंप्लीटली इंस्टॉलेशन आर्ट टाइप सोचता हूँ, ये पूरे प्रोडक्शन डिजाइनिंग को. सो हर चीज, जो मेरा सेटअप होता है, जो मेरा सेट होता है, जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है, हर चीज के साथ आपका एक अलग रिलेशन होता है. सो मैं उसी हिसाब से प्रोडक्शन डिजाइनर को, प्रोडक्शन डिजाइनिंग को मैं डिपिक्ट करता हूँ. बेसिकली कंप्लीट डिजाइन पूरे फिल्म की. सो उसमें कभी आप ऊंचा भी जाते हो, कभी आपको नीचे भी आना पड़ता है, फिर बैलेंस करना पड़ता है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. सो मेरे हिसाब से शॉर्टली मैं अगर प्रोडक्शन डिजाइनर सोचूंगा तो ऐसा कुछ है. So it's like जो भी complete overview, overview जो होता है, जो complete design होता है एक film की, वो design फिर हम लोग अपने हिसाब से करते हैं. And then जैसे आपने बोला कि art direction, वो को बस जाना था कि difference क्या होता है production designer and art director. क्या होता है, पहले production designer जो होते थे उनको ही art director बोला जाता था, but वो सही नहीं था. प्रोडक्शन डिजाइनर जो होते हैं ना, उसमें कैसा होता है, उनको बहुत सारे पार्ट देखना पड़ता है. जैसे आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, स्क्रिप्ट के बीच में से आपको कैसे जाना है, कैसे आपको फिल्म को कैसे लेके जाना है, तो आर्ट डायरेक्शन के बियॉन्ड में है वो चीज. सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज का डिजाइन कर दिया या एक चीज मैंने बना दिया और मेरा काम हो गया, नहीं होता वैसे. आज तो बिल्कुल नहीं होता है. आप एक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बेसिकली आप उसको, आपको सबसे पहले अभी जो तरीका होना चालू हुआ वो ये है कि स्क्रिप्ट सबसे पहले प्रोडक्शन डिजाइनर एंड डीओपी के पास आता है. ये बहुत बड़ी बात है. और उस स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो फिल्म को मुझे कितना रीच बनाना है. उस समय आर्ट डायरेक्टर नहीं होता मेरे साथ, उस समय मुझे डिसाइड करना पड़ता है डीओपी डायरेक्टर के साथ कि मुझे जो फिल्म है उसके डिजाइन और उसका लेवल जो मैं बता रहा था, जो ग्राफ है वो कितना हाई तक मैं लेके जाऊंगा. फिर उसके बाद पार्ट आता है आर्ट डायरेक्टर का. सो आर्ट डायरेक्टर का बेसिकली जो होता है, आप एक छोटे छोटे जो पोर्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं उन लोग प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ जुड़े हुए नहीं हूँ, 100% मेरे साथ पैर लग के चलते हैं, बट कुछ चीजें होता है जो मुझे डायरेक्ट डायरेक्टर के साथ फेस करना होता है, जो मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ फेस करना होता है, या मुझे डीओपी के साथ फेस करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर, उसको करेक्ट बैलेंस करना, जो अलग कर देता है आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर को. So it is something that you have to tell the art director what do you want, and he will try to execute that. Also, it's a funny question, but like, how is production design different from architecture or civil engineering? Because it is creating something.
All three fields. Production designing architecture का कैसा होता है? मैं किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ. आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली आप एक घर का डिजाइन करते हो. आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से आप घर का डिजाइन करते हो. बट हमारा जो काम होता है थोड़ा अलग होता है. हमको फिल्म को स्किप करके करना पड़ता है. सो दोनों का अलग इसीलिए है. एक बार आर्किटेक्ट एक घर बना दिया उसके बाद उसका अंदर का क्या ड्रेसअप होगा या कैसे क्या होने वाला है वो देखता नहीं है. पर वो हमको देखना पड़ता है. अगर वो बंदा गरीब है तो मुझे गरीब करना पड़ेगा. अगर मुझे उसको लिप्डिन करना है तो मुझे लिप्डिन भी करना पड़ेगा. अगर वही चीज को मुझे रिच बनाना है मैं वही जगह को मैं रिच भी बना सकता हूँ जो आर्किटेक्ट नहीं करता है क्योंकि उनका जॉब भी नहीं है. तो वो अलग कर देता है थोड़ा. हाँ सो मुझे हाँ मुझे ऐसे लगता है कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग मोर आर्किटेक्चर करेक्ट है. हमको भी करना पड़ता है पर बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कि आप अगर आर्टिस्ट नहीं होना या आपके अंदर वो आर्टिस्ट वाली फील नहीं है तो प्रोडक्शन डिजाइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए. क्योंकि हमेशा कलर हमेशा एक कलर बैलेंस उसके साथ चलना पड़ता है. क्योंकि कोई फिल्म में डार्क फिल्म होता है तो हमको कलर का जो बैलेंस है ना वो डार्क के साथ जाना पड़ता है. अगर कोई लाइटर मूवी है कोई फनी मूवी है तो फनी मूवी के हिसाब से करना पड़ता है जो बहुत अलग है. सो बहुत अलग बैलेंस करके चलना पड़ता है जो उतना मायने नहीं रखता है अपना आर्किटेक्ट को. तो आपको ओवरऑल सब कुछ का ध्यान देना पड़ता है फ्रॉम ए टू जेड स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको करना. ओके एंड देन नाउ वी विल गेट इनटू आपका जर्नी कैसा था लाइफ में. हाउ डिड यू कम अप. मैं कभी प्रोडक्शन डिजाइनिंग या आर्ट डायरेक्शन के बारे में कभी सोचा नहीं था क्योंकि मैं बेसिकली रविंद्र भारती से मैंने बीबीए किया एज अ पेंटिंग. उसके बाद मास्टर्स किया शांति निकेतन से. एंड देन उसके बाद मैंने बेसिकली बॉम्बे में आया था एग्जीबिशन करने के लिए क्योंकि मैं एज अ आर्टिस्ट हूँ. सो मुझे एग्जीबिशन करना था और फिर वो एग्जीबिशन काफ़ी हेल्दी हुआ था बॉम्बे में. तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा जगह है मेरे को इधर रह जाना चाहिए. तो मेरा जर्नी चालू हुआ. बट बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है बॉम्बे में. फिर कुछ दिन के बाद मेरा पैसा वैसा ख़त्म हो गया. फिर पेंटिंग बेचना बंद हो गया तो करे क्या. तो और इसके बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज भी नहीं था. जैसे आपको आज के जेनरेशन जो है ना मैं उसको सैल्यूट करता हूँ. उनके जो लोग हैं उनको पता है कि क्या करना है. मुझे पता भी नहीं था. सो मैंने एक्चुअली मेरा लाइफ चालू हुआ कॉन्सेप्ट डिजाइन और स्टोरी बोर्ड से. तो मैंने बेसिकली मेरा लाइफ का जो फर्स्ट स्टोरी बोर्ड किया था मैं पहचानता नहीं था वो आदमी कौन है. मुझे बाद में पता चला कि वो डायरेक्टर का नाम राकेश ओम प्रकाश मेहरा है. सो जो मूवी था उसका नाम था अक्स. बेसिकली वो मेरे पास पैसा नहीं था इसके लिए मैं करने के लिए गया था. और काफी अच्छा पैसा मिला तो मुझे इंटरेस्ट लगा. फिर उस जगह में मेरा एक काफी फेमस मुझे पता नहीं था वो फेमस थे कि नहीं. उस टाइम में एक बंदे के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि तेरा काम बहुत अच्छा है किधर से आया है. तो मैंने बताया मैं आर्टिस्ट हूँ. तो उन्होंने बोला कि एक कमाल की ये है डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आर्ट डिपार्टमेंट. सो क्यों तुम लोग जो आर्ट कॉलेज से हो क्यों इसमें नहीं आते हो. तो मुझे अच्छा लगा उनकी बात. तो वो ग्रेट समीर चंदा थे जो मेरा बॉस थे. वो ग्रेट ग्रेट समीर चंदा मतलब उनके जैसे मैंने आज तक प्रोडक्शन डिजाइनर मैंने देखा नहीं अभी तक. मतलब इतने वो अच्छे थे. तो उनके पास से मैंने ऑलमोस्ट 11 इयर्स मैंने उनको असिस्ट किया. पहले काम सीखा फिर आर्किटेक्चर सीखा फिर मिनिएचर बनाना सीखा. फिर उनके पास से मैं कैसे कंस्ट्रक्शन होता है कैसे मेरा ही डिज़ाइन असली हो जाता है वो मैंने सीखा. फिर धीरे धीरे दादा के पास से मैंने आर्ट डायरेक्टर हुआ. एंड उसके बाद दादा अचानक से एक्सपायर हो गए. फिर मैं फिर हम लोगों ने मेरा एक पार्टनर भी अमित तो हम दोनों ने फिर मिलके फिर एक कंपनी बनाया और फिर हमारा जर्नी चालू किया पैसा. तो समृद्धा के साथ भी हमने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया था जैसे रंग बसंती दिल्ली सिक्स काफी बड़े ओमकारा. और दादा का क्लाइंट जो थे बहुत ती अजीबो गरीब डायरेक्टर होते थे जिसमें राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो गया केतन मेहता हो गया फिर आपका हो गया मीरा नायर हो गया मणिरत्नम हो गया विशाल भरद्वाज हो गया. तो इस टाइप के डायरेक्टर के साथ काम करना वो पसंद करते थे. तो हमारा लाइफ चालू ही हुआ उस टाइप के डायरेक्टर के साथ काम करते हुए. और डीओपी भी वैसे ही थे विनोद प्रधान केतन मेहता अपना अशोक मेहता फिर एक से बढ़कर एक सब बड़े बड़े डीओपी. तो आज बहुत आसान हो जाता है इनके साथ
काम करना अपने ऑलरेडी वैसे लोगों के साथ काम और एक चीज होता है, मैंने मुझे हाथ से काम सीखना पड़ा। जैसे आज इंस्टीट्यूट से काम सीख के आते हो आप लोग, मैंने सीख के नहीं आया था। मैंने आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि आर्ट क्या होता है, मुझे पता है कि सेंस क्या है, कलर की क्या है, पर ये बिल्कुल अलग है, ये बहुत टेक्निकल जॉब है। तो मुझे ये सीखना पड़ा। सो इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 11 इयर्स मैंने इंडस्ट्री को दिया और फिर मैंने इंडिपेंडेंट चालू किया। That is something कि मतलब आपने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया। हाँ। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं ग्राउंड से स्टार्ट किया। वाओ, मुझे ये भी ये क्वेश्चन ही था कि हाउ डिड यू डिसाइड ऑन बीइंग अ प्रोडक्शन डिजाइनर, क्योंकि मेरे को पता था कि आप आर्ट लाइक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से। मैं एक्चुअली सच्ची मैं मतलब झूठ बोलने में बाय डिफॉल्ट मैं इस लाइन में आया। मुझे पता ही नहीं था प्रोडक्शन डिजाइनिंग होता क्या है, पर जब भी मैं घुसते गए इसके अंदर ना मुझे अच्छे लगते गए और मुझे इतना अच्छा लगना चालू हुआ। तो मैं जब एक आर्ट कॉलेज में जाता हूँ तो मेरे को टीचर पहले, अभी तो उनको पता है, पहले टीचर पूछते थे क्या करते हो तुम लोग, तो मैंने बोला आप हम लोग जो पहले कैनवास करता था ना, मेरा जो कैनवास होता था कितना बड़ा होगा, 15x15 15x15, तो मेरा जो कैनवास है ना वो सिनेमा हॉल का पर्दा है, वो मेरा कैनवास है, तो मेरे लिए वो कैनवास है। सो वो मैं इंस्टॉलेशन बोलता हूँ इसलिए। तो एज अ आर्टिस्ट मैं हमेशा मेरा प्रोडक्शन डिजाइनिंग को एज अ इंस्टॉलेशन आर्ट टाइप देखता हूँ। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं कभी बोर नहीं होते, क्योंकि मैं एक मूवी में कुछ अलग कर रहा हूँ, दूसरे मूवी में कुछ अलग कर रहा हूँ, तीसरे में कुछ अलग ही कर रहा हूँ, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, काफी वैरायटी है। तो मुझे लगता नहीं इस टाइप का काम कोई जोनर में होता है ऐसे, मतलब एक जैसा है ही नहीं। तो you are actually loving what you do. Yeah, 100%. तो फिर, and how was your journey coming from a small town of Bengal to getting chosen for the Oscar jury nomination for the best? हाँ, मतलब मुझे भी ये ना, मुझे थोड़ा ये भी by default है, मुझे पता भी नहीं क्यों उन्होंने चूज किया। तो मेरे पास जब उनका फोन आया था, सो मैं उस टाइम में, फोन नहीं आया था एक्चुअली, उस दिन हम लोग एक डील बेचारा बोल के मूवी था, सो उसका शूट कर रहे थे हम लोग जमशेदपुर में। सो मैं रात को, नाइट शूट था और सुशांत का काफी एक हेक्टिक शूट था, तो मेरे को डायरेक्टर ने बोला थोड़ा सुधर रह जाओ रात में थोड़ा सा है, तो मैं रात भर में शूट हैंडल किया और फिर जब भी मैं मॉर्निंग में घर आया, मतलब होटल आया और मैं सो गया। फिर जब 2:30 बजे मैं उठा, फिर मेरा मोबाइल में मिनिमम नहीं कुछ 40-50 के ऊपर मेरा फोन था, मुझे पता भी नहीं हुआ क्या है। देखा फिर एक को फोन किया तो उन्होंने बोला पता है तूने क्या किया, मैंने क्या किया मैंने पता नहीं, तो उसने बोला तूने ऑस्कर जूरी मेंबर मतलब तेरे को ऐसे ऐसे नॉमिनी, मैंने क्या बात कर रहे। फिर उनका फोन आया मेरे पास, उसके बीच में कोई ऑस्कर जूरी मेंबर का भी फोन था, उन्होंने भी फोन किया था फील लेने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने उनको उल्टा क्वेश्चन ये किया कि मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने एशिया, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग एशिया से कोई ऐसा जुड़ी, अब तक एशिया से कोई था ही नहीं। मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला हम लोग ऐसे कुछ 4 साल से उन लोग वो कर रहा था, मतलब मॉनिटरिंग कर रहा था एशिया के कौन अच्छे प्रोडक्शन डिजाइनर है। तो मुझे कमाल लगा, मेरा सारे मूवी का नाम पता है उनको, मैंने क्या क्या किया उनको पता है। बोला फिर ठीक है, अगर आपको लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बाद कि यार सही है कुछ किया है। वही आपने पूरे एशिया के सबसे फर्स्ट इंटरेस्टिंग था, वाज नॉमिनेटेड अमित और मैं। फिर उसके बाद बहुत मजा था, हुआ इतने सारे मूवी देखने के लिए मिला है अलग अलग जगह से, बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस हुआ, उन लोग कैसे काम करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आपको तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, दिस वाज समथिंग यू नेवर एक्सपेक्टेड और वो ओवरनाइट। हाँ, ओवरनाइट हो गया। वाओ, सो वी आर आल्सो सो प्राउड टू हैव समवन फ्रॉम एशिया टू देयर। आल्सो आपने ये भी मेंशन किया है कि यू नेवर बिलीव्ड इन यूजिंग कॉन्टैक्ट्स और हैव अ गॉडफादर टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, तो आपने वो बैरियर कैसे ब्रेक किया और आपने आपका खुद का नाम कितना अच्छा बनाया? मुझे लगता है ना, आपको अगर काम अच्छा आता है, आप अगर कुछ चीज को प्यार करते हो ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका काम के ऊपर डेडिकेशन करेक्ट होना चाहिए, पैशन परफेक्टली होना चाहिए, तो सब चीज इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, समझदार एक्सपायर होने के बाद मैंने कभी बाहर गया ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोई प्रोडक्शन डिजाइनर के हिसाब से मुझे कोई बुलाने वाला है। मैंने कभी काम नहीं किया, मतलब मैं 11 ईयर ऐसा लगता था कि मेरा बड़े भाई है समझदार, तो मैं छोटे भाई हूँ, मुझे काम दे रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा मिलता है, मेरा फैमिली चल रहा है, और क्या चाहिए।
फिर दादा जब एक्सपायर हो गया, दादा जब चले गए, फिर मुझे लगा कि अभी क्या करना है। तो मेरा पार्टनर मैं, अमित और मैं कलकत्ता चला गया। फिर कलकत्ता में दादा का कुछ क्लाइंट थे, वो भी बहुत खतरनाक, बुद्धदेव दास गुप्ता, गौतम घोष, सब बड़े बड़े नेशनल अवार्ड विनर। फिर उनके साथ हमने दो प्रोजेक्ट किया, फिर विशाल भारद्वाज ने बुलाया। सो आप, मैं तभी दादा के पास असिस्टेंट था, तो विशाल जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोला था। विशाल जी ने ये बोला था कि, मैंने सर को पूछा था कि क्यों, और सर के इंटरव्यू में भी एक बार निकला था कि क्यों आपने नया प्रोडक्शन, मतलब ऐसे न्यू कमर किसी को आपने चूज किया है, तो उन्होंने इतनी अच्छी एक चीज बोला, उन्होंने बोला कि समीर चंद एक ब्रिज बना रहा था मेरे लिए, वो ब्रिज अचानक से टूट गया, तो ब्रिज रिपेयर करने के लिए मुझे कोई अच्छा टेक्नीशियन चाहिए था उनसे, तो मैं इसलिए वो दोनों को बुलाया, और उनके साथ मैंने इससे पहले काम किया, उन लोग बहुत कमाल है। तो वो जो जर्नी चालू हुआ ना, वो फिर उसके बाद चलते गया। तो मतलब इसके पहले आप शील्डेड थे, हाँ, और कभी सोचा ही नहीं था कि करना क्या, और आर्टिस्ट कभी सोचते ही नहीं है ना। आर्टिस्ट ऐसा, कोई अगर आर्टिस्ट हो तो उसको पता है उसका क्या प्रॉब्लम होता है, आपको सारे दुनिया के साथ फाइट करना पड़ता है, उसको पता ही नहीं कि आर्ट ड्रॉइंग करके क्या करेगा लाइफ में वो। तो मुझे पता है ड्रॉइंग करके क्या करना है। सो फाइट ना आपको बचपन से चालू हो जाता है, तो इसीलिए मुझे कभी फर्क नहीं हुआ, मतलब काम नहीं है तो मैं दूसरे कुछ कर लूंगा, ये नहीं है तो दूसरे कुछ कर लूंगा, तो ऐसा है। तो आप ऑलवेज वेरी ओपन, हाँ, एकदम। और मेरे साथ भी जो लोग काम करते हैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, इधर कोई बॉस, कोई सीनियर, कोई जूनियर ऐसा होता ही नहीं है। मेरा जो सेटिंग वर्कर भी है ना, वो भी मेरे को कितने कुछ चीज बोल के जाता है, और वो इतना करेक्ट बोलता है, तो मैं, हमारे साथ काम करने के लिए उन लोग डरते नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं, और वो चीज आप कर लेते हो ना, तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो सच्ची में अच्छा लगता है, होता है यार बहुत सही बोला तुमने, तो ऐसा होता है। हाँ। तो सब मिलके काम होता है इधर, बट ऐसे बहुत कम है ये इंडस्ट्री में जो एक्चुअली इतने ओपन होते हैं। तो पता नहीं, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, एज अ बीइंग आर्टिस्ट, आप अगर आर्टिस्ट हो ना, अगर वो आर्टिस्ट है तो मेरे हिसाब से उनके टीम ऐसा ही होगा, अगर वो आर्टिस्ट नहीं है तो वो टीम ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज एक्चुअली ट्रू। आल्सो सर, getting a little personal, I wanted to ask you कि how do you balance आपका professional and work life? क्योंकि आप जब professionally काम करते हो, you have to stay away from your family, तो आपको homesickness होता होगा, तो how do you deal with balancing both कि family को भी आप खुश रखते हो? पहले बहुत होता था problem, अभी used to हो गया सब, क्योंकि मेरा मतलब कभी भी मेरे family को पता है कि मेरा first जो love है ना, वो मेरा work है, so उसमें मैं compromise नहीं कर सकता किसी भी हाल पे। So, मेरे फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और मैं जब भी काम पे नहीं होता हूँ, और एक छोटी सी चीज मैं उसमें ऐड करता हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट, मेरा टीम और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 47 मूवी खत्म किया है 10-11 साल में। सो मेरे हिसाब से इस साल में हम लोग 50 भी मतलब क्रॉस करेंगे। सो मैंने ऑफिस इसीलिए नहीं रखा, ये इतने सारी मूवी हमने बिना ऑफिस का काम किया है, कोई जगह में मेरा ऑफिस है नहीं, ऐसे ही ऑफिस है हमारा सेट के अंदर। सो क्या होता है, आपको जैसे ही आपका ऑफिस होगा ना, आप बाइंड हो जाओगे। हम लोग आर्टिस्ट ना, हम लोग ऑफिस में नहीं काम करना है, इसीलिए भाग के आए, तो वापस ऑफिस बनाना है। लोग क्या करें, आपको क्या लगेगा कि मैं ऑफिस बनाया तो मेरा असिस्टेंट आकर ऑफिस में बैठे, तो आप मतलब 3 महीना बाहर हो, उसके बाद आप ऑफिस में बैठोगे या फैमिली को टाइम दोगे? तो मेरा ऐसा होता है कि आप जब भी हो, नहीं हो, काम जब भी नहीं है, अब फैमिली को टाइम दो यार। मैं भी मेरा फैमिली को टाइम देता हूँ, मेरा जो टीम है वो भी फैमिली को टाइम देता है, या जब भी काम हो आ गया वो घर से काम करके मुझे भेज देता है, एक मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग कर लेते हैं, ये हमेशा टचवुड कोई ना कोई सेट होता ही है, उधर हम लोग मीट कर लेते हैं। तो ये अभी जैसे बंसल का, ये जो संजय सर का सेट है, ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। अभी मेघना गुलजार का भी काम चल रहा है, तो वो लगा के इधर ही मिलते हैं, ऐसा होता है, कुछ अलग सिस्टम है हमारा। उनको इतना मजा आता है ना, तो अलग जगह से आते हैं ना, थोड़ा ऐसे ऐसा लगता है कि वो खांचे में बंद है, मतलब वो होता है ना केज के अंदर बंद है, इधर आने के बाद खुला, अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो उसमें मजा आता है। सर आप ही इतने फुल ऑफ लाइफ हो, तो यहाँ पे तो सब खुश होंगे। दैट्स नाइस। तो आपकी फैमिली को तो पता ही है कि लव इन वर्क, तो कुछ कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम। वाओ। तो सर आप किसको अपना रोल मॉडल कंसीडर करते हो, और हु डू यू लुक अप टू इन दिस इंडस्ट्री, पहले या फिर अभी? मैं 100% मिस्टर समीर चंद्र, वो मेरा गॉडफादर है।
एंड उसके बाद ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज, उसके बाद बाकी का नाम होता है संजय बंसली, बाकी लोग ऑब्वियसली मतलब विशाल सर अगर नहीं होते थे तो शायद मैं इंडस्ट्री में भी नहीं होता था, तो विशाल भारद्वाज है बोल के हम आज इंडस्ट्री में। सो पहले समीर था जो हमको पाथ दिखाया, जो हमको दिखाया कि ऐसे काम होता है, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद विशाल भारद्वाज जो मेरा मेंटर है। अभी आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस, ये मुझे जानना था कि आप अपना फिल्म कैसे सिलेक्ट करते हो, लाइक पहले आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं, देन यू गो थ्रू इट, फिर आपके माइंड में कोई थॉट्स आते हैं, एंड आफ्टर दैट यू सिलेक्टेड, और हाउ इज योर सिलेक्शन प्रोसेस? थोड़ा ना मैं एक बार स्किप करता हूँ, फिर ना एक इंस्टिंक्ट है ना वो काम करता है, मतलब ये फिल्म वर्क करेगा हमारे लिए, मतलब मैं फिल्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिल्म हमारे लिए भी वर्क करना जरूरी है ना, क्योंकि मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया, उसमें मजा नहीं आता ना, मतलब सिर्फ पैसे के लिए किया वो मजा नहीं आता, मतलब वो होता है कि सब, और मेरे टीम में ना 90% आर्टिस्ट है, तो मैं अगर कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे हुआ भी है, एक दो कुछ उल्टा मूवी कर लिया ना, मेरे को सुनना पड़ता है उन लोगों से, हाँ सुधा आपने क्या मूवी लिया, ऐसा थोड़ी होता है काम, ये क्या कुछ करने के मौके, तो इसीलिए ना वो अंदर से होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कर पाऊंगा, मेरी टीम कुछ कर पाएगा, तो इसमें मेरा हमारा जो टीम का सिग्नेचर है ना वो आ सकता है, तो वो पता चल जाता है एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, फिर वो काम हम लोग अग्री करते हैं, ऐसे चीज होता है, बहुत सारे कमर्शियल मूवी आता है, तो कमर्शियल मूवी हम करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने शशांक खैतान आपके सीनियर है ना, मजा आया काम करके, मतलब पहले दिन जब उनको मिला तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको पहले को किया कि आपने आपको मैंने पहले वाला मूवी देखा, तो मूवी बहुत चकाचक है, हम बिल्कुल चकाचक नहीं है, बोलता दादा वो नहीं चाहिए मुझे, वो मुझे मिल जाता है मैं करता हूँ, पर मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा अलग टाइप का करना है, वो करना है, तो फिर मैंने उनके साथ मूवी किया, इतना पसंद आया उनको और वो बंदा इतना अच्छा है, एकदम झिलक हो गया। तो अभी हम लोग ने अभी मूवी रिलीज होगा, गोविंद आलारे बोल के एक प्रोजेक्ट है विकी कौशल की, जो शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है, बहुत कमाल की प्रोजेक्ट है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सही है, तो आपको बट फर्स्ट यू नीड द स्क्रिप्ट टू डिसाइड कि आपको मूवी करनी है। 100% आल्सो सर, आपको एक सेट कंस्ट्रक्ट करना अच्छा लगता है कि लाइव लोकेशन को मॉडिफाई करके वहां पे, दोनों ही अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छा लगता है। देखो कैसा होता है, आपको कभी कभी नीड होता है, क्या होता है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई जैसे हमने मिमी बोल के प्रोजेक्ट किया था, सो जब मिमी किया, मिमी में लोकेशन ही इतना खूबसूरत था, डायरेक्टर को चाहिए था कुछ चीजें हम बॉम्बे में शूट करेंगे, तो मैंने सजेस्ट किया था लक्ष्मण सर को कि सर आप हम लोगों को लोकेशन को ही कुछ चेंज ओवर करते हैं और लोकेशन को लेते हुए कुछ काम करते हैं तो मजा आएगा, और वो इतना आउटस्टैंडिंग हुआ, किसी को पता ही नहीं हमने सेट बनाया, और मतलब अगर जो हमारी टीम है उनको पता है कि हमने सेट बनाया, पर बाहर का किसी को पता ही नहीं है सेट है, क्योंकि वो लोकेशन और जो सेट दोनों मिलके ना अलग मैजिक बन, तो ऐसे है, तो दोनों ही अच्छा है। डिपेंड नहीं डिपेंड करता है कि आपके स्क्रिप्ट के ऊपर कि क्या नीड है, जैसे संजय सर का उनका लार्जर देन लाइफ होता है उनके, और उनके थोड़ा अलग चीजें होता है उनको, मतलब वो एक ग्रंजर भी उनको चाहिए, उसके साथ ब्यूटिफिकेशन भी चाहिए, सो वो लोकेशन में मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुश्किल है, इसके लिए सेट वो खुद भी प्रेफर करता है और उनके साथ जो भी काम करता है वो, जैसे मैं भी प्रेफर करता हूँ कि आप सेट लगा के काम करो, क्योंकि उसमें इजी हो जाता है उनके लिए काम। और जैसे कि सारे फिल्म्स के लिए उनका करेक्ट फ्लेवर ऑथेंटिसिटी होता है, तो आप उसका स्टडी कैसे करते हो कि अगर आपको सेट क्रिएट करना है तो यू गेट द एग्जैक्ट सेम थिंग, हाउ डू द डायरेक्टर्स वांट और हाउ द एक्चुअल लोकेशन इज? बहुत रिसर्च करते हैं हम लोगों का प्री प्रोडक्शन ना, मैं बोला हमारी पूरी टीम आर्टिस्ट है, तो एक बार स्क्रिप्ट आने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये स्क्रिप्ट हमको करना है, सो जो कोर टीम होता है ना मेरा, वो जान झोंक देता है उसके अंदर, मतलब एवरी डे सिर्फ रिसर्च और रिसर्च चलता है, उसके बाद आता है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, वो डिजाइन इतना रियलिस्टिक होता है, वो वाले वो जो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डिजाइन होता है, तो उसमें ना बहुत अलग हो जाता है फिल्म के जो मात्रा होता है ना, वो कुछ अलग लेवल में चला जाता है, सो मतलब उस हिसाब से हम लोग डिपिक्ट करते हैं कि जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसके बाद रिसर्च और उसके बाद डिजाइन, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग बिना डिजाइन का कभी नहीं काम करते, बिना डिजाइन आप मतलब कोई डायरेक्टर बोला ये कर लो दादा हो जाएगा, नहीं, नहीं। बोला उन्होंने, पर पहले डिजाइन होगा, हम समझेंगे कि
पूरी टीम समझेंगी कि करना क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जाके वो काम अच्छा होता है। तो आपका मोस्टली हर मूवी में प्री प्रोडक्शन का कितना टाइम लगता होगा? कोई कोई जगह में डेढ़ महीने भी लगता है, कोई कोई जगह में तो जैसे अभी मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, डंकी बोल के एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं राजकुमार ईरानी का। सो मुझे पता भी नहीं था कि वो फिल्म राजकुमार ईरानी का था, तो उन्होंने अचानक से फोन किया, मतलब उनके प्रोडक्शन हाउस का फोन आया और मेरा पार्टनर लंदन में था, कठपुतली बोल के प्रोजेक्ट करने के लिए गया था, तो मेरे को फोन आया कि ऐसे राजकुमार हिरानी के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया, कुछ उनके मूवी फंस चुका है तो जाके एक बार देख। तो मैं गया उनको मिलने के लिए, तो मुझे लगा कि प्रोडक्शन हाउस का कुछ काम हुआ, तो बाद में पता चला उनका खुद का काम है, मतलब प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ कुछ हुआ था, पर मतलब वो प्रोडक्शन डिजाइनर बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप दूसरे किसी को देख लो। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो स्क्रिप्ट सुन के तो मैं पागल, मतलब फिदा हो गया, मतलब यार ये कमाल का स्क्रिप्ट है। एक तो पूरी इतना बड़ा एक सेट बनाना है जो लालटू विलेज है। लालटू विलेज बेसिकली पंजाब में एक लोकेशन है पटियाला के आगे, लालटू बोल के एक छोटा सा विलेज है, और उस विलेज को हमको बनाना है बेसिकली सेम, और बहुत रियलिस्टिक जोन का काम करते हैं वो। पहले ही डरा दिया था उन्होंने कि मुझे सेट बनाना पसंद नहीं है, मैं रियल लोकेशन में शूट करता हूँ और इस सरके की वजह से मुझे सेट लगाना पड़ रहा है, ये सब ये सब। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग से बोलता नहीं, तुम लोग हमें काम देखा, बहुत रियलिस्टिक जोन है, मेरे को ऐसा ही पसंद है, तो कैसे होगा? तो बोला सब हो जाएगा। मैंने उनको फिर पूछा कि कितना दिन, बोला 15 दिन है। मैं बोला 15 डेज है? बोला हाँ 15 डेज है। होगा नहीं क्या? बोला नहीं सर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर फिर उनका पॉज था, तो उनको यही लगा कि शायद तीन लोगों से नहीं होगा। तो फिर वापस दोबारा क्वेश्चन किया कि 15 दिन में हो जाएगा ना? मतलब सर 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, हम तो 3 दिन में भी करते हैं। बाहर आके मेरा फटके हाथ में आ गया कि मैं करूंगा कैसे। पर फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन को फोन किया कि मुझे कल, मेरा ना एग्रीमेंट साइन हुआ ना कुछ हुआ, पता भी नहीं हम करने वाले, मतलब मुझे एक टीम चाहिए, एक या दो लोग, मुझे लालटू विलेज जाना है। फिर वो प्रोडक्शन का भी थोड़ा सा होता है, मैं सर को डायरेक्ट फोन लगाया, फिर बोला सर ने बोला कि नहीं आप एक काम करो, आप चले जाओ, मेरा एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लो, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है सर, आप मुझे सुना दो। फिर उन्होंने एक ये रखा, स्क्रिप्ट रीडिंग रखा, उसमें सर के भी था, मैं था, कुछ कोर टीम था, तो एक दिन पूरा दिन गया उनके स्क्रिप्ट रीडिंग में। फिर दूसरे दिन हम लोग लालटू विलेज, फिर डिजाइन चालू हुआ। वो जो 15 दिन है ना, वो 15 दिन हम, मतलब जो 2 महीना है ना, 2 महीने के हमने 15 दिन किया, 15 डेज में हमने जो काम किया ना, वो 2 महीने के बराबर है। और जो सेट बना, जब वो सेट में चल के आए ना, वो उसको लगा कि मैं वो लालटू विलेज में ही है। विकी मेरे पास आया, विकी कौशल मेरे पास आके बोलता है दादा मैं पंजाब से हूँ, मैं पटियाला से, मतलब मैं ये विलेज में मैं काफी बार गया, मैं मतलब मैं पागल हो गया सेट देखते, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेट है। तो वो जो मैं बोला ना डिटेल, और जो मेरा टीम है ना, वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, उस टीम के वजह से, और फिर हमारा जो एक मोटिवेशन होता है सब मिला के ना कुछ अलग बन जाता वो है। बट सर आपको इसके लिए एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। मेरा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा कैसा होता है, मेरा टीम भी कुछ, मेरे पास कोई बहुत सीनियर नहीं होता है। मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कोई जस्ट कॉलेज से निकल कर, जैसे कट्टी को मैंने बताया आपको, इसलिए मुझसे आया, उसे कभी नहीं काम किया आपके बैच में, कभी नहीं काम किया, तो अभी जो अभी उसका पहला काम संजय लीला बंसल का है, तो अभी वो सीख रहा है, अभी नेक्स्ट में उसको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे ना मैं जूनियर को सीनियर बना रहा हूँ, तो उसमें जो बंदा जैसे जूनियर से सीनियर बनता है ना, उसका कुछ अलग ही एक, तो ये नरम मिट्टी बहुत, अभी कट्टी जो है ना नरम मिट्टी है, तो अभी क्ले को आप कुछ भी मोल्ड करोगे कुछ भी बन सकता है, तो कट्टी कुछ भी बन सकता है। अभी जो सीनियर है बहुत सीख के आया, तो फिर उसको मोल्ड करना बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे टीम हमेशा जूनियर पसंद करता है, फिर वो सीनियर बनता है ना, फिर मजा आता है ऐसे। सर बट आप भी वैसे देखते हो वो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, बिकॉज अभी नॉर्मली लाइक इन द इंडस्ट्री और पीपल लाइक दैट दे डोंट सी कि मतलब मेरे को इसको ग्रो करवाना है, नहीं नहीं वो फिर वो काम कर लो, वो खराब चीज है, वो नहीं होना चाहिए सर। ये मेरे पास जैसे अवनी है, उसने मेरे साथ है, वो लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ के आया है, तो उसने भी फर्स्ट टाइम मुझे क्वेश्चन, मेरे इधर ऐसे काम होता नहीं ना कि वो आर्किटेक्ट भी कर रहा है, वो पेंटिंग भी कर रहा है, तो मैंने उसको पूछा कि तू आर्टिस्ट है या आर्किटेक्ट है? नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ। बोला अच्छा, और इंडिया में एक आर्किटेक्ट के ऊपर एक जो प्रोडक्शन डिजाइन है, एक है तेरे को आर्ट,
मैं तो हाथ से ड्राइंग कर सकता हूँ, तेरे को क्या करना है, तो ऐसा एक है। हाँ। तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट वर्क है ना, मैं अपनी को भेजा, तो उसने मुझे भेजा उसका काम, मेरा मैं पागल हो गया, बोला यार ये तूने किया, बोलता है हाँ, और तूने आर्किटेक्ट, बोलता है हाँ मुझे सब सीखना पड़ता है उधर, बोला यार कमाल है तू आ जाओ कल से आ जा। तो फिर ये मतलब वो एक कोलैबोरेशन जो होता है ना वो कमाल की होता है। और वो एक चीज भी होता है जो सामने वाले के साथ मैं जब भी बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग भी आता है जो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं सबको लेता हूँ, पर एक स्पार्क समझ में आता है कि ये बंदे से होगा तो है। That is so nice. और मेरे को ये जानना था कि आपका जैसे रिसर्च मटेरियल, पहले तो यू हैव टू गो, पहले इंटरनेट नहीं था, अभी तो काफी इंटरनेट हो गया जिससे आपको हेल्प मिलती है, बट डू यू थिंक खाली इंटरनेट के थ्रू आपको उतना रिसर्च मिल जाता है कि यू कैन क्रिएट समथिंग? मेरी टीम में कुछ पागल लोग हैं, जैसे अमनी है और भी कुछ पागल है जिन लोग बुक्स पसंद करता है। हाँ। बुक्स पढ़ना, और एक पल्ले भी है FTII से, वो तो और पागल है, वो तो कभी नेट पहले देखेगा ही नहीं, मतलब इंटरनेट का पिक्चर उसको बिलीव ही नहीं है, वो कोई लाइब्रेरी में जाने वाला है कोई, जैसे अभी हम लोग श्याम बहादुर बोल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हमने रिसर्च किया। 1.5 ईयर उसमें हमने कौन सा जगह में नहीं गया। और अभी जो बन रहा है ना, कोई बोल नहीं सकता ये रियल नहीं। तो जैसे आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, देयर आर डायरेक्टर्स, मल्टीपल पीपल इन योर टीम, डीओपी एंड एवरीथिंग, तो हाउ डू यू कीप द फ्लो ऑफ योर थिंग्स स्मूथली? क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा अनबन होना तो है ही, कि मतलब आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उनका कुछ अलग, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, नहीं 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 नहीं, देखो क्या होता है, बहुत इजी होता है। आप किसके लिए काम करो? कैप्टन के लिए। तो मैं जब भी काम करता हूं ना, मुझे पता है कि मेरे डायरेक्टर मेरा कैप्टन है। हाँ। बेसिकली हाँ। अगर मैं सोचूंगा ना मैं डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं नहीं ना, मैं एक पार्ट हूं फिल्म की, सो मुझे पार्ट जैसे ही बन के काम करना है। बेसिकली जो डायरेक्टर, सब डायरेक्टर सनी लियोन से लिए होता नहीं है, सबको विजुअल सेंस है नहीं। तो हमारा काम क्या होता है, डायरेक्टर का आई बनना। डायरेक्टर बहुत सारे विजुअल करता है, मैं ये सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, जैसे ही आप उसको आई बनोगे, आंख बनोगे और करेक्ट करके दे दोगे ना, उसको बोलेगा यार दादा यही मैंने सोचा था, बस उसमें ही पंगा प्रॉब्लम हो जाता है। वो जो आंख है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर समझ रहा है क्या, डायरेक्टर सोच क्या रहा है। तो आप अगर एक बार वो समझ लोगे ना कि क्या बोल रहा है वो, फिर आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आने वाला है। तो मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होता, मेरे पूरे टीम के साथ कम्युनिकेट कर लेते बहुत अच्छे से, मैं आधी रात को भी डायरेक्टर को फोन करता हूँ, ऐसा होता है सबके साथ सबका। और क्या होता है, ये ऐसे एक जगह है ना, आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ काम, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डायरेक्टर, डीओपी, मेरे पूरे टीम, सारे मतलब इतने सारे लोग हैं, लाइटमैन है, आपके वर्कर है, तो सबके साथ आपका ऐसे नहीं होगा ना, तो आपको कभी कोई अच्छा बोलेगा भी नहीं आपके साथ, आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। तो आपके सबका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा ना, तभी जाके एक अच्छा काम मिलता है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी काम किया ना, वैसे ही काम करते, अभी तक कभी भी क्लैश कभी हुआ नहीं है, नहीं, लेकिन मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं डायरेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर का आंख बनाऊ, मैं काम कर रहा हूँ, अल्टीमेट कैप्टन मेरा वो है। हाँ, मैं उनको समझा सकता हूँ कि सर ये मेरे हिसाब से ऐसा होगा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मेरा फॉल्ट है, मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या बोलना चाहता है, तो फिर दोबारा उसको मैं डिजाइन करता हूँ और फिर वो फुलफिल करता हूँ। That is really good to know. तो सर जैसे कॉलेज से वो लोग ग्रेजुएट हुए हैं प्रोडक्शन डिजाइन से, इफ दे वांट टू वर्क अंडर यू और विद यू, डू यू हैव एनी फ्यू टिप्स कि मतलब उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ना थोड़ा आर्ट के हिसाब से थोड़ा नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा जैसे थोड़ा पेंटिंग थोड़ा देखे, जैसे रेमब्रांड हो गया, ओल्ड मास्टर का जो पेंटिंग है ना वो थोड़ा देखे, थोड़ा थोड़ा लाइट समझ में आएगा, कॉम्पोजिशन कैसा होता है समझ में आएगा, क्योंकि अल्टीमेट अगर आर्ट में आना है ना, आर्ट सीख के ही आना जरूरी है। सो अगर आर्किटेक्ट है उसको भी थोड़ा आर्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आर्ट के नॉलेज का आना इस लाइन में ना, हाँ मतलब आ गया मैं कर लिया, पर वो ना फिर वो रोबोट जैसा काम होगा, आपके अंदर भी होना चाहिए ना मैं ऐसे करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो बोलता हूँ कि जो भी इसमें आना चाहता है प्रोडक्शन डिजाइनिंग में या मेरे अंडर में या जो भी है, थोड़ा आर्ट के रिलेटेड कुछ सीख के आएगा तो मजा आएगा। थैंक यू।